सोल लान 2 में दामिंग और एयामिंग फिर से वापस आएंगे, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वह दोनों इस सीजन में बीस्ट के रूप में नहीं बल्कि ह्यूमन फॉर्म में दिखने वाले हैं। एज्योर बुल पाइथन को गॉड रियल्म में तांगसेन द्वारा पुनर्जीवित किया गया। पुनर्जीवित बुल पाइथन में तांगसेन ने ड्रैगन ब्लड को एक्टिवेट किया, जिसे बुल पाइथन डायरेक्ट एज्योर ड्रैगन में इवॉल्व हो गया। पियरलेस कॉन्टिनेंट में आने के बाद वह एक लेवल 99 पियरलेस का डूलियो बन गया। उसकी ताकत बहुत मजबूत है। हुओ युहाओ को देखने के बाद उसने एक नज़र में हुओ युहाओ को देखा, यह पता चला कि उसके पास वास्तव में 4000000 साल पुरानी सोल रिंग्स थी। सोल लान के पहले भाग में एज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप ने अपना सैक्रिफाइस कर दिया था और तांगसेन की सोल रिंग्स बन गया। तांगसेन के देवता बनने और डिवाइन रियल में प्रवेश करने के बाद तांगसेन ने एक मिस्टेरियस मेथड का उपयोग किया, एज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप को पुनर्जीवित। तांगसेन के इस घटना से गॉड्स के नियम टूट गए हैं, क्योंकि उस घटना के बाद ड्रैगन गॉड ने सोल बीस्ट को देवता बनने की अनुमति नहीं है। इसलिए तांगसेन के पक्ष के कारण एज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप सीधे गॉड रियल में प्रवेश कर गए, जिसके बाद वह दोनों गोदसी बन गए। एज्योर बुल पाइथन भी एज्योर ड्रैगन में इवेल्व हुआ। हालांकि एज्योर बुल पाइथन का ड्रैगन ब्लड प्योर नहीं है, लेकिन उसकी ताकत किसी भी वास्तविक ड्रैगन से कम नहीं है। बाद में तांगसेन की बेटी तांग वुटों के कारण वह दोनों डुलुओ महाद्वीप में गुप्त रूप से आगे। एज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप भी एक साथ उतरे। तांग वुटों की रक्षा के लिए डुलुओ महाद्वीप में आए। डुलुओ डालू में आने के बाद उनकी ताकत को दबा दिया गया। हालांकि वह दोनों गॉड्स की पावर्स का प्रयोग नहीं कर सकता, लेकिन यह उससे भी अधिक मजबूत है, क्योंकि वह दोनों अब पियरलेस कॉन्टिनेंट में लेवल 99 और लेवल 98 के डुलुओ है। एज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप के डुलुओ महाद्वीप में आने के बाद उन्होंने हाओ तियानज़ोंग में एकांत में रहना चुना और हाओ तियानज़ोंग फिर से दुनिया से सीक्रेट हो गया और वह दोनों हाओ तियानज़ोंग के दो अधिपति बन गए। दो शक्तिशाली अधिपति हैं। इसमें हाउटियन स्कूल भी रखा जा सकता है। कोई भी इसका उल्लंघन करने की हिम्मत नहीं करता। ह्यूमन में परिवर्तित होने के बाद एज्योर बुल पाइथन के नाम नी तियान रखा गया और टाइटन जाइंट एप का नाम टाइटन ही रख दिया गया। वे दोनों टैंग वुटोंग के पहले और दूसरे पिता भी बने और वे दोनों तांग वुटोंग से बहुत प्यार करते थे। जब उन्हें पता चला कि कोई तांग वुटोंग के स्पिरिचुअल ओशन में घुस गया है, वह दोनों ने उससे भागने का मौका दिया, नहीं तो वह दोनों सीधे श्रेक अकादमी में प्रवेश करेंगे। आइए देखिए कौन तांग वुटोंग को धमकाने की हिम्मत कर रहा है। वास्तव में यह व्यक्ति हुओ युहाओ है। हुओ युहाओ भी तांग वुटोंग की तीन मार्शल सोल के बारे में उत्सुक था, इसीलिए हुओ युहाओ तांग वुटोंग के स्पिरिचुअल ओशन में घुस गया। तांग वुटोंग की स्पिरिचुअल दुनिया में घुसपैठ ने इस बार भी हुओ युहाओ को आधा डरा दिया। लगभग हुआ युहाओ की तो जान ही चली गई। जब हुओ युहाओ और तांग वुटोंग एक साथ हाओ तियानज़ोंग लौटे तो एज्योर बुल पाइथन एक नज़र में बता सकता था कि हुओ युहाओ सरल नहीं था। उन्होंने पता लगाया कि वास्तव में हुओ युहाओ के शरीर में 4000000 साल पुरानी सोल रिंग्स थी। टाइटन जाइंट एप ने तुरंत हुओ युहाओ को एक झटका दिया। वैसे वह सिर्फ हुओ युहाओ को आजमा रहा था। टाइटन ग्रेट एप ने हुओ युहाओ को दबाने के लिए अपनी पावरफुल मेंटल पावर को एक्टिवेट कर दिया। भले ही हुओ युहाओ के शरीर में तियानमिंग आइस वॉर्म और आइस एम्परर जैसे शक्तिशाली अस्तित्व हैं, इसीलिए वह कुछ सेकंड तक टिक सकता है। इस टेस्ट में टाइटन जायंट एप को हुओ युहाओ की 4000000 साल पुरानी सोल रिंग का रहस्य भी पता चला। इससे पहले किसी को भी नहीं पता था कि हुओ युहाओ के पास 4000000 वर्ष की सोल रिंग भी है। यहाँ तक कि श्रेक अकादमी के उन शक्तिशाली टाइटल डुलुओं को भी नोटिस नहीं किया जा सकता है। यह देखा जा सकता है कि एज्योर बुल पाइथन और टाइटन जाइंट एप कितना मजबूत है।